दोस्तों आज हम आपको तुलसी महिमा के बारे में बताएंगे, क्योंकि तुलसी हमारे जीवन से जुड़ी हुई है और उसका रोज काम पड़ता है, क्योंकि तुलसी के साथ हम रहते भी हैं। इसलिए हम आपको आज तुलसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। दोस्तों भगवान शंकर के मुख से तुलसी महिमा बताई गई है। तुलसी महिमा जान लेने बस से इंसान जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है और जन्म जन्मांतर तक किए हुए पाप सारे नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पत्ता, मूल, फूल, शाखा, तना और छाल और मिट्टी, ये सभी पावन है। तुलसी का चंदन जो श्री कृष्ण भगवान जी को अर्पित करता है और श्री विग्रह में भक्तिपूर्वक लगाता है, वो श्री हरि के समीप हमेशा रमण करता है। चंदन में तुलसी का पत्ता या फिर काष्ठ घिस दे तो वो हरि चंदन बन जाता है, जिसे हम ठाकुर जी को अर्पित कर सकते हैं। तुलसी की जो सूखी लकड़ियाँ होती हैं उसे आप कचरा समझ के ना फेंक दें, इसका भी उपयोग लिखा है। तुलसी की काष्ठ से जो दीप जलाए, कान खोल कर सुन लो, उसे 10 करोड़ दीप दान करने का फल मिलता है। जो ब्राह्मण तुलसी काष्ठ की अग्नि में हवन करते हैं उन्हें एक सिख अर्थात भात के दानों में अथवा एक एक तिल में अग्नि यज्ञ का फल मिलता है। जिसकी अग्नि के कुंड में तुलसी का एक छोटा सा काष्ठ डाल दिया जाए, फिर लिखा है तुलसी की लकड़ी की आँच से तैयार किया हुआ नवोदय थोड़ा सा अन्न भगवान केशव को अर्पित किया जाए तो मेरु के समान अन्नदान का फल प्राप्त होता है। जो भगवान को तुलसी काष्ठ का धूप देता है उसके फलस्वरूप उसे 100 यज्ञों अनुष्ठान और 100 गाय दान करने के बराबर फल मिलता है। इसलिए तुलसी की लकड़ी को कचरा समझ के ना फेंक दें, इसका बहुत उपयोग है। दोस्तों जो मनुष्य तुलसी का कीचड़ मतलब तुलसी की मिट्टी अपने शरीर में लगाकर श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करता है उसे एक ही दिन में 100 दिन की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। ये सारी चीज़ें गीता प्रेस से प्रकाशित पद्म पुराण में दिया हुआ है, आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों पद्म पुराण में लिखा है कि तुलसी की जड़ की मिट्टी से स्नान करने पर हमें सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। दोस्तों जो व्यक्ति तुलसी की नई मंजरी से भगवान की पूजा करता है तो कान खोल कर सुन लो, जब तक सूर्य और चांद हैं तब तक वो पुण्य भोगता है। तुलसी द्वारा पूजित होकर श्री हरि विष्णु भगवान उसके सारे रोग हर लेते हैं। दोस्तों पद्म पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति भगवान की तुलसी दल से पूजा करता है वो धनवान होता है। तुलसी की मूर्ति संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली होती है। श्रवण मास में और संक्रांति के दिन तुलसी का पौधा लगाना अत्यंत ही फलदायक होता है। तुलसी की जड़ में ब्रह्मा जी और मध्य भाग में जनार्दन रहते हैं और मंजरी में रुद्रदेव का निवास है, इसलिए शायद मंजरी रुद्रदेव को चढ़ती है। जिस गांव में या फिर जिस घर में और जिस वन में तुलसी का वृक्ष हो वहां पर जगदीश्वर श्री विष्णु प्रसन्न चित्त होकर निवास करते हैं। उस घर में दरिद्रता नहीं होती, वहां दुख भय रोग नहीं ठहरते। जहां तुलसी के सुगंध लेके हवा चलती है उसकी 10 दिशाओं एवं 4 प्रकार के जीव पवित्र रहते हैं। जिस घर में तुलसी के मूल की मिट्टी होती है उस घर में संपूर्ण देवता यहाँ तक कि श्री हरि विष्णु भगवान उनके कल्याण के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। दोस्तों अब ये थोड़ा अनजान लगेगा लेकिन सुनने में बड़ा आनंद आएगा। लिखा है कि भगवान शिव मंदिर में अगर तुलसी का वृक्ष लगाया जाए उसमें जितने भी बीज तैयार होंगे तो कान खोल कर सुन लो, उतने युगों तक इंसान स्वर्ग लोक में निवास करेगा। भगवान के समीप पृथ्वी तल पर तुलसी लगाने से सदा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तुलसी सर्वथा पवित्र है और पुण्य तीर्थों में अधिक पावन मानी गई है। या फिर लिखा है कि तुलसी वृक्ष के बगीचे का दर्शन और स्पर्श कर लेने मात्र से ही ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों आइए अब हम थोड़ी देहिक बातें कर लेते हैं। जिनका मृत्य शरीर तुलसी काष्ठ की आग में जलाया जाता है वो विष्णु लोग जाते हैं। लिखा है कि जिसकी मृत्यु के समय श्री हरि का कीर्तन, स्मरण और तुलसी की लकड़ी से जिस शरीर का दह किया जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। दोस्तों अब आप सोचोगे कि इतने सारे तुलसी काष्ठ कहाँ से लेके आए, क्योंकि मनुष्य के शरीर के लिए लकड़ी ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो इसमें लिख दिया गया है कि अंतिम संस्कार के समय लकड़ी के बीच में एक छोटा सा तुलसी काष्ठ फंसा दिया जाए या उसमें डाल दिया जाए तो मनुष्य कितने भी पाप से क्यों ना युक्त हो उसकी मुक्ति हो जाती है। दोस्तों आप जब भी किसी के अंतिम संस्कार में जाएं तो तुलसी की एक काष्ठ जरूर साथ में लेके जाएं और उसके अंतिम संस्कार के समय लकड़ियों के बीच में डाल दें। व्यक्ति कितना भी पापी क्यों ना हो उसकी मुक्ति हो जाएगी। तुलसी काष्ठ की लकड़ी से मृत मनुष्य का दह होता देखकर वैकुंठ से भगवान विष्णु के दूत आते हैं और उसे वैकुंठ धाम ले आते हैं। वो व्यक्ति कितने भी पापों से क्यों ना युक्त हो उसे भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ की अग्नि में जलाए जाते हैं उन्हें विमान पर बैठकर वैकुंठ में जाता देखकर देवता उनके ऊपर पुष्पांजलि चढ़ाते हैं।
ऐसे जीव को देखकर भगवान विष्णु और शिव संतुष्ट होते हैं। और लिखा है कि श्री जनार्दन सामने जाकर हाथ पकड़कर अपने अक्षरधाम ले जाते हैं। दोस्तों, जो मैंने अभी आपको तुलसी महिमा के बारे में बताया, ये मैंने श्याम भाई ठाकुर जी के मुख से सुना था। अगर आपको उनके मुख से ये अमृत बाड़ी सुनना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहाँ जाके सुन सकते हैं। दोस्तों, आपने अभी जो तुलसी महिमा के बारे में सुना, ये गीता पेज से प्रकाशित पद्म पुराण में दिया हुआ है, आप लाकर दर्शन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो और लगा कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे YouTube चैनल को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।